रुपेश जो 4 साल का बच्चा जब हॉस्पिटल में मुझे मिला और उसको HIV है ये पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना इनोसेंट बच्चा इतना बड़ी बीमारी के साथ कैसे जी रहा है। बच्चा अनाथ हो गया तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, तो मैं उस बच्चे को घर को लेके आया और उसके बाद जितने भी HIV पॉजिटिव बच्चे मेरे एरिया में रहते थे उनके रिप्रेजेंटेटिव सब मेरे घर को लेके आना शुरू कर दिया। सबकी स्टोरी अलग थी, सबको ज़रूरत थी, यहाँ पे नहीं रख सकते ऐसा बोलने के लिए मुझे पॉसिबल ही नहीं हुआ। जो HIV पॉजिटिव बच्चे उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत रहती है, टाइम पे मेडिसिन देना हो, उनको अच्छी तरह का न्यूट्रिशन फूड देना हो या हो वो डॉक्टर की फैसिलिटी। हमारे पास जो बच्चा रुपेश आया था 4 साल का, तो डॉक्टर ने तब बताया था कि 2-3 दिन में वो बच्चा गुजर जाएगा, लेकिन वो बच्चा 13 साल से हमारे पास जिंदा है। 2000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ है हमारे पास, शॉर्ट स्टे, लॉन्ग स्टे, परमानेंट स्टे, और आज तक किसी का डेथ नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे HIV पॉजिटिव लड़कियाँ हैं, मेडिसिन उनको टाइम पे नहीं मिलती है, अच्छा फूड नहीं मिलता है, तो वो लड़कियाँ ज़्यादा दिन नहीं ज़िंदा रह पाएंगे। अगर हम लोग और एक बिल्डिंग बांधते हैं तो 100 से ज़्यादा लड़कियों को वहाँ पे शेल्टर दे सकते हैं। अभी हमारे पास ज़मीन है लेकिन वो बांधने के लिए हमारे पास ब्रिक, स्टील, वो सब की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब हमको मदद करिए।